गाइज वेलकम है एक बार फिर से आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज भी चलता ही हूँ किधर ना किधर। आज भी हम लोग घूमेंगे रामेश्वरम ही, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें हैं जो रामेश्वरम में घूमने के लिए रह गई थी, जिससे आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे सेकेंड पार्ट में। आज सबसे पहले हम लोग चलेंगे, इधर से चलते समय सबसे पहले देखेंगे फ्लोटिंग पत्थर, तैरता हुआ पत्थर, क्योंकि पहले वाला वीडियो में दिखा नहीं पाया था और इस वीडियो में उसे अपनी हाथों में उठा कर दिखाऊँगा। और उसके बाद चलेंगे हम लोग पुरानी चर्च, और उसके बाद चलेंगे हम लोग जो रेलवे स्टेशन था धनुषकोटी में पहले, अभी जो रामेश्वरम रेलवे स्टेशन था है वो पहले नहीं था, वो पहले धनुषकोटी में था। और उसके बाद चलेंगे अरिचल मुनई बीच, जहाँ दो महासागरों का मिलन होता है। सो चलिए आज घूमते हैं इन जगहों पे। Thank you.
अभी जो आप रामेश्वरम रेलवे स्टेशन देखते हैं, पहले वो सब कुछ नहीं थी और यहाँ पे ना रोडवेज था, पहले यहाँ ट्रेन ही चलता था। सो आप मेरे पीछे जो चर्च देख रहे हैं वो इसी का एक पार्ट बचा हुआ है। आइए इसको थोड़ा मैं करीब से दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देख सकते हैं यही वो चर्च है जो यहाँ इकलौता बिल्डिंग के तौर पर थोड़ा बचा हुआ है, और कुछ कुछ पार्ट्स और हैं जो हम मजबूत थे उस सुनामी में बच गए, और अदरवाइज़ जो भी नुकसान वाले पार्ट थे वो तो बह ही गए थे। ये चर्च का कुछ अंदर का हिस्सा इस टाइप का था, लेकिन अब शायद कुछ बचा नहीं है। गाइज मैं आप लोगों को बता दूं कि वो जो आप देख रहे हैं सामने कुछ कुछ छोटी छोटी आपको ईंट की दीवारें दिख रही होंगी, और उस सुनामी की रात में जो बचा हुआ पार्ट था वो बचा हुआ है। और उसके बाद आप देख सकते हैं चर्च के पीछे काफ़ी बड़ा समंदर है, यहाँ मछुआरे भी काफ़ी हैं। एक लाइन से आपको बोट दिख रही होगी, बहुत सारी लोग फिशिंग करते हैं। और आप जब चर्च के पीछे से वापस लौटेंगे तो इधर साइड में कुछ बनी दुकानें आपको मिलेंगे, जहां आपको बहुत सारी चीज़ें काफ़ी सस्ती मिल जाती हैं। अगर आप यहां से लेकर जाना चाहो तो लेकर जा सकते हो, शंख वगैरह काफ़ी सस्ती पड़ जाती हैं इधर। और ये कुछ होम डेकोरेटर की चीज़ें, बादल कर रहे बिट्टू, अन्ना रेट रेट फॉर दिस वन 200 and this little one 120। हम देख सकते हैं काफी सस्ती चीजें हैं यहाँ। रामेश्वरम से पहले यही रेलवे स्टेशन था जहाँ पे ट्रेन आया जाया करते थे, क्योंकि पहले यहाँ कोई स्टेशन था नहीं रामेश्वरम वगैरह। और ये जो आप रोड देख रहे हैं ये रोड भी पहले यहाँ अवेलेबल नहीं था, ये रोड फिलहाल में बना हुआ है। और यहाँ पीकॉक वगैरह बहुत सारे हैं, आप देख सकते हैं इस कुदरती जगह पे जहाँ नेचर का इतना अच्छा चीज़ बना हुआ है। आपको साउंड का कभी सुनाई दे रही होगी कि पीकॉक बोल रहा है कभी कभी। ओ भाई पीकॉक तो आदमी से डर भी नहीं रहा। वे आप देख सकते हैं इस कुदरती जगह पे पीकॉक का होना, जो लोगों के बीच में आराम से, ना ही कोई पिंजरा ना ही कोई अदर थिंग, सामने समंदर और ये पीकॉक बेहद खूबसूरत। गाइस अभी भी यहाँ कुछ कुछ चीज़ें बहुत संभाल कर रखी गई हैं, जैसे कि मैं आपको अभी दिखला दूँ जो समंदर में पुल बनाने के लिए जो फ्लोटिंग पत्थर यूज किया गया था रामसेना के द्वारा, तो कुछ पत्थर इस टाइप का ये है जो पानी में फ्लोट करता है, देख सकते हैं आप। गाइस अभी मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ ये पत्थर उठाकर, ये फ्लोटिंग पत्थर है और यही था जो समंदर में हनुमान सेना के द्वारा पुल बनाने के लिए यूज किया गया था। सो देखिए अभी आप, दिस इज द स्टोन गाइस, दिस इज द स्टोन व्हिच इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रिज इन द सी बाय हनुमान। लुक दिस कांट वे, ये कभी डूबता नहीं है, आप देख सकते हैं कितना हो डुबा लो ये डूबेगा नहीं, देख सकते हो आप। आपको दिखा दो कि ये है धनुषकुटी रेलवे स्टेशन, और आगे में आप जो थोड़े देख रहे होंगे ट्रैक टाइप का बना हुआ है, ये प्लेटफॉर्म था पहले जो कि बह गया 1964 में। और इसके साइड्स में कुछ वही बने हुए छोटे छोटे टेम्पल्स टाइप का, जो मैंने फ्लोटिंग पे आपको दिखाया फ्लोट करता हुआ पत्थर, और यहीं पे संभाल कर रखा हुआ है।
है वे बंगाल, तो मैं उधर भी जाकर दिखाऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले यार मैं वीडियो बनाते कि बारिश होना शुरू हो गया है, सभी थोड़ा रुक लेता हूँ कहीं, इसके बाद खड़ा हूँ। ये वो जगह है जिसके आगे जमीन नहीं है और इसे धनुष कोटी के नाम से जाना जाता है, एंडिंग पॉइंट है। और इधर आप देख रहे हैं इंडियन ओशियन है और उधर भी आप बंगाल है, दोनों का मीटिंग पॉइंट है। और यहाँ से श्रीलंका पास में ही है कि हमारा फ़ोन में मैसेज भी आया है कि वेलकम इन श्रीलंका करके। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि राम ने पुल बनाना इधर ही से शुरू किया था श्रीलंका के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे, तब तक के लिए बाय।